टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पूरे देश में दीपावली का पर्व बड़े ही धूम से मनाया जा रहा है। इसी तरह से मुंब्रा शहर में भी दीपावली की धूम देखने को मिली है, जहां रंग बिरंगी लाइट और जगमगाते हुए दीपक से लोग अपने घरों को सजाए हुए हैं। सरकार द्वारा नियम भले ही जारी किए गए हैं, मगर बाजारों में रौनक देखने को मिली और पटाखे भी लोग बड़े उत्साह से फोड़ते हुए नजर आए। दीपावली का ये रोशनी का ये त्यौहार अंधकार पर विजय का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष के वनवास के बाद जन्मभूमि अयोध्या लौटे थे और उसी दिन से दीपावली का ये पर्व मनाया जाता है। मुंब्रा के शंकर मंदिर में बच्चों ने बड़े ही खूबसूरत छत्रपति शिवाजी महाराज का किला बनाया है। इन बच्चों ने बताया कि करीब 3 से 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये किला बनाने में सफल हो पाए हैं। इसी तरह से हमने और भी कई परिवारों से दीपावली के इस पर्व के मौके पर बातचीत की है और आज दीपावली के इस मौके पर अपने घरों को दीपक और रंग बिरंगे लाइटों से इन लोगों ने सजा रखा है। दीपावली के इस पर्व के मौके पर बच्चे भी फुलझड़ी और अनार जलाते हुए नजर आए। इस दीपावली के पर्व के दिन सभी ने शिकवे गिले भूलकर एक दूसरे को गले लगाया, मिठाइयाँ खिलाई और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसी तरह से हम प्रहार टाइम्स की तरफ से भी आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। दीपावली मनाते हैं क्योंकि श्री रामचंद्र प्रभु जब रावण से जीत कर सीता मैया जिस दिन लेके आए उस दिन दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि हमारे भगवान सीता मैया को लेके घर आए थे, इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। हंसी खुशी से पटाखे दिए जला के मिठाई बना के ये खुशी उस हिसाब से मनाई जाती है। दीपावली मीन्स दिया जला के मनाते हर कोई ये त्यौहार हमारे साथ हमारी खुशी में शरीक होके मनाते हैं। हम अगर आप देखोगे तो सबके घरों पे मतलब लाइटिंग लगी है, सब लोगों ने सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी हिसाब से जो हम लोग मिठाई बनाते हैं, हम लोग एक दूसरे को बांटते हैं, खाते हैं, मिलके बनाते हैं, सब काम मतलब से हमारा नहीं सबका त्यौहार है। हमारे ये ग्रुप ने बहुत ही मेहनत करके ये किला बनाया, खास करके ये दोनों ओम और स्वास्तिक इसमें बहुत मेहनत करते हैं और हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। इसमें हम लोग का 10 जन का ग्रुप है और इसमें हम लोग को 1.5 से 2 हज़ार रुपया खर्चा आया है। अच्छा, कितने दिनों में इसको बनाया आप लोगों? ये बनाने के लिए हम लोग को दरअसल 4 दिन गए। हम लोग नाइट में भी काम करते थे इसके लिए। अच्छा, नाइट में भी? हाँ। अच्छा, तो ये जो आप बनाए हैं दरअसल ये किस चीज़ का बनाया गया है? ये हम लोग ने बहुत मिट्टी, सीमेंट और भी चीज़ें यूज करके, रैबिट हो गया और भी यहाँ से आजू बाजू वाली चीज़ यूज करके बनाए हैं। ये साल तो अच्छा से बीता, सबको अच्छा से बीतेगा। आज सबको हैप्पी दिवाली बोलती हूँ। 2 साल से तो दिवाली अच्छे से नहीं मनाए थे। हम लोग का दिवाली बहुत अच्छा त्यौहार, बड़ा त्यौहार मानते हैं उसको। ये साल अच्छा से बीता। अच्छा, खास तौर पर दीपावली में जो है कुछ दीपक जलाए जाते हैं, घर को रोशन किया जाता है। हाँ। इसके साथ साथ जो है और भी क्या चीज़ें, कुछ पकवान वगैरह खास तौर पर क्या बनाए जाते हैं? बनाते हैं ना, करंजी बनाते हैं, चकली बनाते हैं, शंकरपाड़ी बनाते हैं, चूड़ा बनाते हैं, मतलब बहुत आइटम बनाते हैं दिवाली में। हम लोग का मतलब रसम है बनाने का। आज के दिन प्रभु श्री राम 14 साल के बाद वनवास काट के आए थे, इसके लिए हमारे हिंदू लोग सभी दीपावली का त्यौहार मनाते। उसी दिन हम हमारे घर को सजाते। आप देख ही रहेंगे, हम हमारे गाड़ियों की पूजा कर रहे, फटाके फोड़ रहे बच्चे लोग। इसी तरह हम दिवाली का त्यौहार मनाते। तो और लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस पर्व को लेकर? वही दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, फटाके कम जलाएं और अपने घर में सुरक्षित रहिए।